गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है। जी हाँ, 7:30 बज चुके हैं गाइस, और मैं उठ गई थी 5:15 पे। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था। आप देख सकते हैं 7:30 बजे भी हल्की हल्की धूप सी आ गई है, तो विटामिन डी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं, पूजा पाठ हो गई है, एक्सरसाइज हो गई है, सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई है। गाय अभी ला रही हूँ अपनी, यहाँ नहीं ला रही, मतलब मैं अपने रूम में ही पीऊँगी अपनी कॉफ़ी, चाय, जो भी कुछ है, नारियल पानी वगैरह। तो बने रहिएगा मेरे साथ। ताज़ा ताज़ा हवा, वाव। और यहाँ चहचहाते हुए पक्षी आप देख ही सकते हैं, इतना अच्छा वेदर होता है मॉर्निंग का कि चहचहाते हुए पक्षी मुझे दिखाई देते हैं, आसमान दिखाई देता है। रियली इंजॉयिंग गाइस, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी मॉर्निंग को। तो ऐसी मॉर्निंग सबके लिए हो, सबके लिए हो। आप देख सकते हो मॉर्निंग से ही मेरा रिटर्न वाला वो आ चुका है। जी हाँ, जो मैंने मंगाई थी अपनी फ्लिपकार्ट से लेगी, जी हाँ, ये योगा के लिए मैंने मंगाई थी अपने लिए जिम वेयर। ये अभी ठीक आई है, इसमें पहले स्पॉट थे लेकिन अभी इसमें कोई भी स्पॉट नहीं है, और आई एम रियली सो हैप्पी। आप देख सकते हो, और ये मुझे काफी पसंद है। तो बहुत जल्दी आपको कशिश इस ड्रेस में दिखाई देगी। हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। मैंने जैसे कि बताया था आपको, ग्रीन टी के साथ या अपनी कॉफी या चाय के साथ मिलूंगी, तो वो सब गलत था। एक्चुअली मेरा मन कर गया कि मुझे नारियल पानी पीना चाहिए, कॉफी अवॉइड कर दी, ग्रीन टी अवॉइड की, क्योंकि इज वेरी हेल्दी और सबके लिए हेल्दी होता है वो, आप भी लोग पी सकते हैं। और गाइस, आप अगर मॉर्निंग में नारियल पानी पीते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो जी गाइस, आज लंच में मैं बनाने जा रही हूँ लौकी के कोफ्ते। मसाले में मैंने प्याज लहसुन का मसाला रेडी कर लिया है, और यहाँ पे इतने सॉफ्ट ये जो पकौड़े देख सकते हैं आप, ये हैं लौकी के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। गाइस, क्या खुशबू है, वाओ, अमेजिंग यार, सीरियसली गाइस। और ये पकौड़े मैंने लौकी के डाल दिए हैं मसाले में, और साथ में मैंने डाल दिया है पानी। जी हाँ, अपने अकॉर्डिंग आप पानी डाल दीजिए कि ग्रेवी कितनी होनी चाहिए है। तो और अब मैंने कढ़ाई को यहाँ पे ढक दिया है, बस चुटकी में होने वाले हैं रेडी। और जी हाँ, यहाँ रेडी हो भी चुके हैं, वाओ, मतलब कि मुंह में पानी आ गया है गाइस। इतनी अच्छी तरी और इतने अच्छे लौकी के कोफ्ते देख के किस किस के मुंह में पानी आया है मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, हाँ मुझे वेट रहेगा। और यहाँ पे मैंने कर ली है अपनी थाली तैयार। जी हाँ, फर्स्ट थाली ये मेरे दोस्तों के लिए ही है, मैंने की है अपने लिए, लेकिन दोस्तों के लिए ज़्यादा है ये, क्योंकि पहला तो निवाला मेरे दोस्त ही लेंगे। तो थाली में है पनीर के परांठे हैं, सब्जी है कोफ्ते की, और जैसे कि आप देख सकते हो सैलेड है। तो आइए गाइस, देरी किस बात की, जॉइन। ए गाइस, बारिश आ गई, यू कैन सी, वाओ, वेदर इज अमेजिंग, अमेजिंग वेदर हो गया है। रिम झिम रिम, ओ गाइस, मेरे ऊपर बूंदे पड़ रही हैं, यू कैन सी, वाह, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो तुझको तेरी दुआ, आई तो जल मेरा भीगा बदन, अब तो ही बताओ सजन, ले चाक। गाइस, अगर इतनी तेज बारिश ना होती तो मैं अभी टेरेस पे होती अपनी, लेकिन मैं टेरेस पे नहीं चल सकती, बिकॉज ये वैसी बारिश है, और मे भी हो सकता है मैं फिसल जाऊं पहले की तरह, मुझे फिसलना नहीं है। तो गाइस, मैं ले रही हूँ इस वेदर का एंजॉय, आप भी बने रहिए कशिश चावला के साथ। और ऐसे वेदर में अगर कशिश पकौड़े ना बनाए तो ऐसा कैसे हो सकता है? इवनिंग के 5 o'clock हो रखे हैं और बारिश का इतना मौसम हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ बनाने के लिए अपनी गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। तो ये लीजिए गाइस, कशिश ने रेडी कर दिए प्याज वाले पकौड़े, जॉइन। तो जी गाइस, वर्कआउट हो चुका है मेरा। जी हाँ, ड्राइंग रूम में मैं अपना वर्कआउट करती हूँ, आप देख सकते हो पूरा सेटिंग हो रहा है मेरा बॉडी। मैं चलती हूँ रूम में, और मैं चलाती हूँ अपना एसी। जी हाँ, एसी ऑन कर लिया है गाइस मैंने, और अभी मैं लूँगी थोड़ी देर बाद अपनी ग्रीन टी। तो कौन कौन करता है कशिश की तरह वर्कआउट घर में रह के, बहुत सारी चीज़ें मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। फिलहाल तो मैं अपना पसीना पहुँच गई थी, हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। चले गाइस, ग्रीन टी,
चलिए प्रिपेयर करती हूँ और मिलती हूँ आपको अपनी ग्रीन टी। तो जी गाइज, मेरी रेडी हो चुकी है गर्मा गर्म ग्रीन टी। जी हाँ, यू कैन सी गाइज, और मैं लेके आ चुकी हूँ अपनी बालकनी में। गाइज, अगर आप लोगों को किसी को एक्ट देखना है ना, देबोलीना वाला, मेरी चाहती। तो जी गाइज, मैं तो बैठ चुकी हूँ अपनी ग्रीन टी लेने के लिए। ये देखिए गाइज, गर्मा गर्म ग्रीन टी। वाह। हे गाइज, तो यहाँ पे सारे डांस स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये देखिए। तो गाइज, इसकी जिक्र कर रही थी मैं कल मायरा का। मायरा आ चुकी है आज। कल क्यों नहीं आए थे तुम? मैं इसलिए भी आई थी क्योंकि मेरे नाना नानी जा रहे थे और मेरी दीदी आ गई थी खेलने के लिए। ओ, उनकी दीदी आ गई थी खेलने के साथ, इसके मायरा के नाना जी और नानी जी जा रहे थे तो बाय बाय वगैरह बोल रही थी, इसलिए वो नहीं आई थी डांस क्लास। बाकी सारे बच्चे डांस क्लास आ गए थे, लेकिन आज वो आई है एक सरप्राइज के साथ। जी हाँ, और वो सरप्राइज क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, वो मेरे लिए जेली लाई है। थैंक यू सो मच मायरा कि आप मेरे लिए जेली लेके आए हो। थैंक यू। उस दिन मेरे लिए अक्षरा लेके आई थी, आज मेरे लिए मायरा लेके आई है। कल मेरे लिए कौन लेके आएगा? मैं। कौन लेके आएगा? मैं। कल मेरे लिए श्रेया लेके आएगी। फिर मेरे लिए कौन लेके आएगा? मैं। आराध्या। और उसके बाद में कौन लेके आएगा? वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लवली लवली बच्चों, इतने पहले पहले बच्चे हूँ तो फिर कौन किसी को डांस नहीं सिखाएगा। तो चलिए चैली के साथ डांस स्टार्ट करते हैं। अभी एक मिसिंग है, एक्चुअली कुछ नहीं आया है हमारा पार्टनर। आज वो बर्थडे पार्टी में गया है, वो बर्थडे इंजॉय कर रहा है आज। हम लोग सब मिस कर रहे हैं ना उसको। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए हुए डांस क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। जैली के साथ बने रहिएगा, कशिश चावला के साथ। कैच यू सून गाइस, बाय।